हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आप भी अपने जियो फ़ोन से तरह तरह के मतलब फ़ोटो में मतलब दिल के फ्रेम बहुत ही तरह तरह के लगाना चाहते हो बहुत ही अच्छे अच्छे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले आप सब लोग रिक्वेस्ट हुए थे अपने दोस्तों, इस वीडियो को लाइक नहीं तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर। अगर आपको मन में कोई भी डाउट हो जियो फ़ोन से रिलेटेड, और आपको यहाँ पे जियो फ़ोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और आपको जियो फोन से किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आप कुछ भी डाउट लगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों। चलिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो शुरू कर लेता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लेना प्रेस कर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने जियो फोन का डेटा पैक ऑन कर लेना है। अगर आप भी अपने फोटो में दिल में मतलब फोटो में दिल के फ्रेम तरह तरह के लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने जियो फोन का डेटा पैक ऑन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ब्राउजर को ओपन कर लेना। अब जैसे यहाँ पे ब्राउजर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने गूगल का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पे गूगल के डैशबोर्ड में टाइप करना है पिक्सेल। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा दिख रहा होगा, ताकि आप सब का मैं टाइप कर लेता हूँ ताकि आप सब यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को देखना पूरा, आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा पिक्सेल, जैसे आप यहाँ पे लिख लेंगे और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिखा दिख रहा होगा। और जैसे आप यहाँ पे पिक्सेल लिखना, सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। अब सर्च करने तो आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, तो सिंपली आपको इसी पहली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक कर दें, क्लिक करने होते अभी आपके सामने कुछ प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चले आना है। अब जैसे आप यहाँ पे आएंगे, एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फोटो, और देखिए आपको यहाँ पे दिल बहुत ही कमाल का दिख रहा होगा, और आप बहुत ही कमाल कमाल के दोस्तों यहाँ पे लगाना चाहते हो दिल के ही अंदर। तो वीडियो को देखते रहिए पूरा, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको कैसे यहाँ पे दिल वाले सारे फ्रेम देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते चले आना है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बतलाता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत ही तरह तरह के यहाँ पे आपको फ्रेम देखने को मिल जाते हैं। अगर आप जिसमें भी लगाना चाहते हैं ऐसे लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे किसी एक में लगा के दिखा देता हूँ, ताकि आप सभी को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते आता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ। चलिए मैं कोई भी एक दिल के में फ्रेम में लगा लेता हूँ फ़ोटो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों दिख रहा होगा, ये आप इस फ्रेम के अंदर मैं फ़ोटो लगाना चाहता हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए। अगर आप दोस्तों किसी भी दिल मतलब फ्रेम के अंदर फ़ोटो लगाना चाहते हो, सिंपली आपको यहाँ पे अपने जियो फ़ोन के जो कर्सर होता है उसे यहाँ पे लाना है, और सिंपली आपको बीच वाले बटन से क्लिक कर देना है। उसी वाली फ्रेम की जो फोटो होती है उस पर जैसे आप क्लिक कर दें, आप क्लिक करना था अभी आपके सामने कुछ वेबसाइट ओपन होगी, तो सिंपली आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चले आना है। देखिए आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा ब्राउज, आपको सिंपली इस पर ही क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करना सिंपली आपको यहाँ पे कैमरे से यहाँ पे और वॉलपेपर जहाँ से भी आप फोटो ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरे में अभी कोई फ़ोटो देख लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे गैलरी में जाके कोई फ़ोटो है तो यहाँ पे देख लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक फ़ोटो देख रहे हो, सिंपली यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना सिंपली आपको यहाँ पे जी वाले बटन से इसे डन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे डन कर देंगे, आपको सामने कुछ प्रकार इंटरफेस आएगा, तो सिंपली फिर से आपको यहाँ पे डन कर देना है। अब डन करने बाद सिंपली आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चले आना है। तो वीडियो को देखना पूरा, तो वीडियो को स्किप मत करना, तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। अभी आपके सामने कुछ प्रकार इंटरफेस ओपन होगा, तो वीडियो को देखते रहिए पूरा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चले आना। तो वीडियो को देखना पूरा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना है, तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चले आएंगे, अभी आपके सामने कुछ घंटे पे आएगा, आपको यहाँ पे फिर से फोटो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोबारा फोटो सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। अगर आपको मैं दोस्तों एक ही बार ही कहता, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों सेलेक्ट द पिक्चर। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, क्लिक करना है तो अभी आप सामने कुछ उस इंटरफेस ओपन होगा। सिंपली आपको यहाँ पे चूज ए पिक्चर पे क्लिक करना, गैलरी से आप यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे डन कर दें, अभी आपके सामने कुछ प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। तो वीडियो को देखना पूरा, वीडियो को स्किप मत करना। अब आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों दो फोटो को कह रहा है सेलेक्ट करने को, फिर से आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, जितनी आपको यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करनी है कर सकते हैं, जितनी फोटो मांगे सेलेक्ट करना है। तो फिर से आपको यहाँ पे चूज ए पिक्चर पे क्लिक करना है, क्लिक करना है अभी आपके सामने कुछ रुपये घंटे पैसे ओपन होगा। सिंपली आपको यहाँ पे फिर से फोटो को सेलेक्ट कर लेना, और फिर जी वाले बटन से डन कर देना है।
तो जैसे आप यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट कर लें, कलेक्ट करने सिलेक्ट करने और सिंपली आपके सामने कुछ पे घंटे पे जाएगा तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा गो का, सिंपली आपको यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करना था अभी आपके सामने कुछ प्रकार की वेबसाइट लोडिंग लेगी, तो वीडियो को देखना पूरा, वीडियो भले ही थोड़ी लंबी है हो सकती है दोस्तों, मगर वीडियो को स्किप मत करना नहीं तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो चैनल पे पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज़ यार दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अब जैसे आप फोटो को सेलेक्ट करने का सिंपली आप जैसे गो पे क्लिक करते हैं, आप क्लिक करना था आपके सामने कुछ की वेबसाइट ओपन होगी तो सिंपली आपको आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चले जाना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे आपको यहाँ पे मेरी फोटो यहाँ पे दिख रही होगी, बन के तैयार हो चुकी है आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब आपको यहाँ पे दोस्तों इसे फोटो को कैसे डाउनलोडिंग करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते आना, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड का, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा शेयर का। तो सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग वाले ऑप्शन पर जियो फोन के कर्सर लाना है और आप सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करना था अभी आपके यहाँ पे फोटो डाउनलोडिंग हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे गैलरी में दिखा देता हूँ कि मेरी फोटो गैलरी में सेव हुई है नहीं, ताकि आप सभी को यहाँ पे विश्वास हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसी फोटो को, जो फोटो मैंने अभी डाउनलोडिंग की है आपको यहाँ पे दिख रही होगी दोस्तों। फोटो मेरे यहाँ पे बन चुकी है बहुत ही कमाल की। आप यहाँ से जियो फोन से बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्तों दिल वाले फ्रेम लगा सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। तो अगर आपको मैंने कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं जयंत बंदे यात्रा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।